हेलो दोस्तों, मैंने एक बड़ी टोपी बनाई तैयार की है, आपको बताती हूँ। इसमें मैंने 100 फंदे डाले हैं, मैंने बॉर्डर तैयार किया है, उसके बाद में मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है। मैं बॉर्डर आपको दिखाती हूँ थोड़े फंदे में डाल के कैसे बनता है। मैंने 100 फंदे डाले हैं उसमें, इसमें मैंने 22 फंदे डाल के आपको दिखाऊँगी। ये हमारे कान्हा जी की टोपी तैयार हो जाएगी और आपको डिज़ाइन भी दिखाऊँगी। पहली रो हम उल्टी उल्टी निकालेंगे, अब देखिए दोस्तों, पहली रो उल्टी निकाली, पिछली रो भी उल्टी निकाली। अब उसके बाद की तीसरी रो है, एक धागा बनाएंगे, एक उतार देंगे, उसको नहीं बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, उतार देंगे, बनाएंगे, उतार देंगे, बनाएंगे, उतार देंगे, बनाएंगे। हम अपनी यही रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे। हमारी सीधी तरफ से है, एक बनाएंगे, एक उतारेंगे, एक उतारेंगे, एक बनाएंगे, लास्ट वाला भी बना लेंगे। पिछली रो हमारी उल्टी उल्टी ही आएगी। पिछली रो हमने उल्टी पूरी निकाल ली है, अब हम सीधी रो पे हैं। अब देखिएगा, जो हमने पहले फंदा बनाया था उसको उतार देंगे, जो उतरा था उसको, जो बनाया था उसको उतारेंगे, जो उतरा था उसको हम बना लेंगे। देखिए हमारा ये ऐसे, ये हमने बनाया था, अब उतारेंगे, जो उतारा था उसको बनाएंगे, उतारेंगे, बनाएंगे, बना हुआ उतारेंगे, उतारा हुआ बना लेंगे। हमारी पूरी रो ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। हमारी सिलाई की दो रो सामने से बन गई, पीछे से सिंपल बनेगी। अब ये पिछली रो भी सिंपल बना के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दो रो निकाल दी है, ये बॉर्डर मेरा ऐसे ही है, एक फंदा मैंने उतारा, एक बनाया है। पिछली तरफ से मैंने पूरी उल्टी रो बनाई है, दोबारा जब सामने आई हूँ, जो उतरा है उसे बनाएंगे, जो बिना है उसे उतारेंगे, हमारी ये डिज़ाइन बन के आ जाएगा। इस पर मैंने 9 सिलाइयाँ इस तरफ से और 9 सिलाइयाँ उस तरफ से बनाई है। ये हमारा 2 इंच का बॉर्डर तैयार हो जाता है। अब कान्हा जी के लिए मैं सिर्फ 2 ही रो डालूँगी, ताकि हमें थोड़ा ही चाहिए। अब ये ऊपर का डिज़ाइन देखिए, ये 2 हमारे कान्हा जी टोपी में बन जाएंगे और हमारी बड़ी टोपी भी ऐसे बन जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा लेंगे, उस टोपी मैंने 2 फंदे उल्टे रखे हैं साथ में, ये सीधा करेंगे एक फंदा, आगे फंदा करेंगे, अगले वाले फंदे को सीधा करके 2 का 1 बना देंगे। ये हमारे 3 फंदे बन गए, 4, 5, 6, बीच में 2 फंदे हम उल्टे चलाएंगे, 1 सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, धागा निकाल के हम उसको सीधा कर लेंगे, इसको कम कर देंगे, एक हमारे 2 फंदे बन गए, ये 3, 4, 5, हमने इसके साथ में 6 फंदे रखने हैं। ये देखिए दोस्तों, 2 हमने उल्टे डाल दिए, अब लास्ट वाले फंदे हमारे 1 सीधा आगे किया, ये हमारा कम बनेगा, उल्टी सिलाई हमारी उल्टी ही आएगी। हम उल्टी सिलाई उल्टी डाल के सीधे भी आ गए हैं। हमने सबसे पहले 1 फंदा सीधा बनाया था, 1 जाली डाली थी, अब जाली वाला बना लेंगे, फिर धागा आगे करके आगे जाली बनाएंगे, इन 2 का 1 कर देंगे, फिर हमारे पास इधर 3 फंदे रह जाएंगे। पहले हमारे पास 4 फंदे रह गए थे, अभी 3 रह गए, 2 बीच के हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे, फिर हम 1 फंदा सीधा करके अगला हम सीधा करेंगे, उसमें जाली डाल देंगे, इस तरफ 3 फंदे रह गए हैं। अब इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे, एक एक हम इधर से लेते जाएंगे और इधर की तरफ हम तिरछा बनाते जाएंगे, इसको हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। पहले हमारे पास 1 फंदा था, फिर जाली हुई, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे, फिर लास्ट में हम फिर 1 फंदा की जाली ऐसे डिज़ाइन शुरू कर लेंगे। शुरू से ही हम इस वर्क को ऐसे ही तिरछा पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी कान्हा जी की टोपी है, उल्टी रो हम उल्टी ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों, दोबारा फिर हम सीधी तरफ आ गए, 1 फंदा उल्टा किया, पहले 1 फंदा सीधा था, फिर 2 हुए, अब 3 सीधे हो गए,
फिर जाल ये तिरछी जाएगी, इसको निकाल के हम सीधा करके बनाएंगे। अब हमारे पास इधर से दो ही फंदे बचे हैं, हम ये दो फंदे भी इसी तरह कम कर लेंगे इधर से तिरछा ला के। हमारे बीच में चार फंदे बनते जाएंगे और साइड के हमारे फंदे कम होते जाएंगे, तिरछी हमारे पास जाली बनती जाएगी। जब ये पूरे कम हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से कैसे शुरू करेंगे हम। ये हम ऐसे ही बना लेंगे, यहाँ फंदा नहीं रहा कोई भी, देखिए हमारी ऐसी तिरछी रो बनती जाएगी। ये देखिए दोस्तों हमारे सभी फंदे एक एक करके कम हो गए। अब हम दोबारा से फिर वहीं से स्टार्ट कर देंगे, हमने एक सीधा करना, धागा आगे करना और यहाँ से फिर हमारी दोबारा जाली शुरू हो जाएगी। हम फिर उतने फंदे अपने सारे ऐसे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से शुरू हुई थी हमारी जाली, एक एक करके हमने यहाँ ख़त्म कर दी। जब ख़त्म हो गई दोबारा फिर हमने एक फंदा डाल के दोबारा जाली फिर शुरू कर दी। हमारा कुछ वर्क कैसे आएगा देखिए, टोपी ऐसी डिज़ाइन की बनेगी। अब मैं इस टोपी को आपको, मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने 6 इंच इसको ऐसे ऊपर लंबी की, हमारी 8 इंच के करीब हो गई। मैं इसको कम करना बताऊंगी। एक फंदा बनाया हमने, एक फंदे के 2 बना दिए, अब इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे के 2 फंदों का एक कर देंगे, एक बनाएंगे 2 का एक कर देंगे, एक बनाएंगे और 2 का एक कर देंगे। इस पूरी रो मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी, एक सिंपल बनाऊँगी और 2 का एक बनाऊँगी, एक सिंपल बनाऊँगी और 2 का एक बनाऊँगी। मैं आपको रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। पिछली रो हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे, सीधी रो में फिर हम ऐसे ही करेंगे। मैं ये सीधी और उल्टी रो आपको बना के दिखाती हूँ। फिर ये हमारे 100 फंदे हैं, ये बड़ी टोपी है। देखिए दोस्तों उल्टी रो निकाल के मैं दोबारा फिर सीधी पे आ गई हूँ। अब सीधी रो में मैं दोबारा फिर वैसे ही करूँगी, एक फंदा बनाऊँगी, एक के 2 करूँगी, एक बनाऊँगी, एक के 2 करूँगी। उल्टी रो फिर हम उल्टी उल्टी निकालेंगे जब तक हमारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाते। हम सीधी रो एक बनाएंगे फंदा और 2 का एक करेंगे, फिर पिछली रो हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। मैं आपको पूरा ये वर्क कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 2 का एक किया, फिर एक सिंगल बनाया, फिर 2 का एक किया, एक सिंगल बना दिया। इसी तरह करूँगी पिछली रो उल्टी, दोबारा आऊँगी फिर इसी तरह करूँगी। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ सारा वर्क कंप्लीट। ये देखिए दोस्तों मैंने उसी तरह सारे फंदे कम कर लिए हैं, मेरे पास सिर्फ 16-17 फंदे रह गए। अब इन फंदों को क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लंबा खींच लेंगे, आगे करेंगे 2 बार इसको ऐसे बना के ऐसे उतार लेंगे, फिर अगले धागे को 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे फंदे इकट्ठे कर लेंगे अपने, जितने भी हैं हमारे ये फंदे 17-18। मैंने 4-5 सिलाइयाँ में इनको कम किया है, एक बार सिंगल बनाया, फिर डबल का सिंगल बनाया, पिछली सिलाई मैंने पूरी उल्टी उल्टी डाली। हमारी टोपी के फंदे धीरे धीरे कम होते चले गए। अब ये थोड़े से लास्ट के फंदे हैं, इनको बल दे के मैं इसे उतारती जाऊंगी सभी को। ये देखिए सभी फंदे मैंने उतार लिए। अब वापस मैं इन बलों को खोलती जाऊंगी, अपनी इस सिलाई में इकट्ठा कर लूँगी खोल के, ऐसे सभी फंदों को खोल लूँगी। जो बल दिए हैं मैंने थोड़े लंबे हो जाएंगे सारे फंदे, देखेंगे इस तरह से। ये टोपी की आखिरी सिलाई है, कुछ ऐसी आएगी। अब सुई में धागा डाल के इनको सभी को मैं सुई में से उतार लूँगी, ऐसे सुई में धागा डाला हुआ है, सभी फंदे आसानी से सुई में उतर जाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसी सिलाई निकाल दी हमने, धागा खींचा हमने, गांठ में से इसे घुमा लीजिएगा, अच्छे से इसे खींच लीजिए। टोपी का हमारा ऊपर का हिस्सा इतना ऐसे बन जाएगी।
फिर जो बड़ा धागा हमने डाला हुआ है इससे हम इसकी उल्टी करके टोपी की सिलाई कर देंगे। इस धागे को तोड़ के इसको साथ में ही हम अटैच कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोपी की सिलाई करके एक सर कर लेंगे इसको ऐसे। पहले मैं दिखाती हूँ आपको, फूल बना के लगाऊंगी टोपी पे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे सिलती जाऊंगी इसको। देखिए दोस्तों हमने टोपी सिल ली पूरी अपनी, यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसी बनी है। अब मैं कान्हा जी की टोपी पे भी आपको वैसे ही करना दिखाती हूँ जो मैंने 22 फंदों की बनाई है। इसको भी हम सारे फंदे ऐसे ही उतारेंगे पहले बल दे के, सेम उसी तरह सुई में धागा डाल एक ही बार बल देंगे, दूसरी बार उतारेंगे हम बल को दूसरी सिलाई में। मैं दिखाती हूँ आपको, अब इन सभी बलों को मैं खोलूँगी। देखिए ऐसे खोलती जाएंगे और फिर उसी तरह मैं इनको सुई में पिरो के सभी को गांठ मार के इनको पक्का कर दूँगी। देखिए सभी उतर गए और ये सब सुई में करूँगी ऐसे। और ये सभी सुई में आ गए ऐसे। ये देखिए दोस्तों सिलाई निकल गई, सुई रह गई हमारे अंदर। और सुई के तरफ में गांठ बांधी है धागे में, उसमें अपनी सुई को पिरो के इसको खींच लेंगे। ताकि हमारे धागे निकल ना जाए सुई से। देखिए दोस्तों हमने ऐसे इसको खींच लिया, ये हमारी छोटी टोपी कान्हा जी की बन गई। हम इसको भी ऐसे सिल देंगे, ये देखिए ऐसे सिल देंगे। अब मैं एक फूल बनाना बताती हूँ आपको। दो उंगलियों के ऊपर ऐसे बार बार धागे को लपेटिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। 20-25 बार लपेट लीजिए ऐसे। देखिए दोस्तों हमने कई बार इसको ऐसे लपेटा है, इसको हाथ पे से उतारी है, सुई को आगे धागा रख के इस पूरे वर्क को हम वैसे ही कम्प्लीट करेंगे। एक बार मैंने फिर पहले बताया था आपको, ये देखिए धागा ऐसे आगे करके इसको अच्छे से ऐसे भर लीजिएगा। धागा आगे ऐसे करके बार बार इसमें ऐसे गांठ लगाएंगे आप, तो सुंदर सा हमारा वर्क बनता चला जाएगा, गोल सा घेरा बन जाएगा। ये देखिए ऐसे इस पूरे वर्क को हम ऐसे ही भर लेंगे, धागा आगे रहेगा आपका तो ही हमारी गांठ बनती चली जाएगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ ऐसे आएगा डिज़ाइन। ये देखिए दोस्तों हमने ये पूरा अपना ऐसे कड़ा सा बना दिया, हमारी एकदम हार्ड बन गया ऐसे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 पत्ते लगाएंगे। ये मैंने पिछली मूवी में आपको बनाने बताए थे, ये भी सिलाइयों से ही बनते हैं। इसको ऐसे पत्ते को लेके इसके साथ ऐसे कर देंगे, चाहे आप इसके साथ का ये ग्रीन पत्ता हो वो बना लीजिएगा, वो भी बड़ा सुंदर लगेगा। फूल देखिए एक अटैच हो गया। अब सुई को यहाँ से इस तरफ लेके आइए दूसरी तरफ। अब एक यहाँ पे लग जाएगा, 2 हो गए, मेरे पास ये 3 ही बचे हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा। मैं इन तीनों को ये अटैच करके आपको दिखाऊंगी। फिर एक अटैच हो गया मेरा, देखिए अब सुई इस तरफ डाल के इस दूर से ऐसे तिरछी से दूर निकलेगी नीचे जाके, ऐसे होगी वर्क हमारा कुछ। अब यहाँ से हम तिरछी सुई को डाल के इधर से निकाल लेंगे। मैं 2 पत्ते अटैच हो गए, ये तीसरा हो जाएगा यहाँ पे। पहले सीधी निकालिए सुई को, फिर यहाँ से ऐसे तिरछी डाल के इस तरफ से निकल जाएगी, पत्ता भी अटैच हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऐसे
हमारा ये ऐसा पत्ता बन जाएगा और ये कैप में यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, बड़ा सुंदर लगेगा हमारा। ये देखिए, और बीच में ऐसे मोती लगाऊंगी मैं, ये बारीक सुई से लगेगा मेरा मोती। इसकी जो अंदर की ये छेद है वो बिल्कुल बारीक है। मैं पहले आपको ये फुल अटैच करके दिखा देती हूँ उस पर टोपी पे, जिस तरफ भी आपको लगाना है ये हमारे पीछे सिलाई जाएगी। आप यहाँ पे लगाइएगा टोपी को, गुलाबी वर्क जितने भी पत्ते हैं उनको काट दीजिएगा धागे है। यहाँ से अटैच करके हम इसको यहाँ निकाल लेंगे सुई को, फिर वहीं पे नीचे हाथ डाल के ऐसे निकाल लेंगे। बड़ा सुंदर वर्क बन के तैयार हुआ। ये देखिए दो तरफ से हो गया ये। अब यहाँ से सुई डाल के यहाँ पे निकाल दीजिए, सुई को ऐसे सीधा करके नीचे अंदर के अंदर तिरछा कर लीजिएगा, दूसरे पत्ते में चली जाएगी। देखिए ऐसे, और कुछ बार कैसे बन जाएगा देखिए। अब हम इसमें एक अंदर बारीक सुई डालेंगे मोती डालने के लिए। बारीक सुई में धागा डाला हुआ, ये मोती बारीक है, ये हमारा ऐसे अटैच हो जाएगा, मोती अंदर चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारी टोपी को कुछ ऐसी लगी गई। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये कान्हा जी की टोपी पे भी मैं ऐसे ही छोटा सा फूल बना के लगाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।